स्टॉप लॉस, आपने सुना होगा स्टॉप लॉस लगाया और कट गया। गाइस अगर आप एक ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो जहां दुनिया के स्टॉप लॉसेस लगे वहां मेरे जैसे इन्वेस्टर्स वहां पे बाइंग करने बैठते हैं। जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं वो सब नीचे गिरे हुए भाव पे माल और उठाते हैं, दे एक्युमुलेट गुड थिंग्स एट बेटर प्राइसेस। तो अगर आप ट्रेडर हैं, आपके पास कैपिटल कम है तो आपको स्टॉप लॉस लगाना ही होगा, कोई चॉइस नहीं, आपको लगाना ही चाहिए। बट अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप ये देखिए कि जो इन्फोसिस 1600 रुपए पे अच्छा था अगर वो 1200 आ जाता तो क्या अच्छा नहीं है? जो रिलायंस 2500 पे आपको अच्छा लगता है क्या वो 2000 आ जाए तो अच्छा नहीं है? जो HDFC बैंक आपको 2000 पे अच्छा लगता है क्या वो 1000 रुपए आ जाए तो क्या वो अच्छा नहीं है? तो आपको ये देखना चाहिए आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर अच्छी चीजें महंगे भाव पे आपको अच्छी लग रही थी तो जो सस्ती हो जाती हैं तो आप डरते क्यों हैं? होगा चल्स।